नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दो घंटे बाद भी लखीमपुर हिंसा के नामजद आरोपी आशीष मिश्रा अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। पुलिस ने 10 बजे तक आशीष मिश्रा को पेश होने का वक्त दिया था, लेकिन पुलिस को इंतजार करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस ने कल ही आशीष मिश्रा के दो घरों पर पूछताछ का नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन आशीष मिश्रा का अब तक कोई अता पता नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी नेता ने कहा है कि नेपाल भाग गया आशीष मिश्रा। आपको हम बता दें कि लगातार लखीमपुर मामले के बाद आशीष मिश्रा कई बार मीडिया के सामने आए और तमाम सवालों का इसी तरीके से कुछ पसीना पोंछते हुए उन्होंने जवाब भी दिया था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पुलिस को आशीष मिल ही नहीं रहे हैं। वो कहां है किसी को नहीं पता। इधर ये भी बात सामने आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि नेपाल आशीष भाग गए हैं, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारे संवाददाता ने बात की थी आशीष मिश्रा के भाई से, उन्होंने कहा था कि आशीष मिश्रा आज ही पेश होंगे क्राइम ब्रांच के सामने। लेकिन सवाल ये है कि अगर आशीष मिश्रा बेगुनाह है, अगर आशीष मिश्रा लखीमपुर में है, अपने घर में है, तो अब तक क्यों नहीं पेश हुए। आशीष मिश्रा के परिवार का कहना है कि वो लापता नहीं हुए हैं। आशीष के चचेरे भाई ने आज तक से बातचीत की। आशीष के भाई का कहना है कि वो शाम तक एसआईटी के सामने जरूर पेश होंगे। आशीष मिश्रा के भाई अमित मिश्रा हमारे साथ में है। ये बताइए, लगातार बोला जा रहा है कि आशीष मिश्रा यहाँ पर नहीं है, समन का नोटिस बिछा हुआ है, कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनवीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनवीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हम लोगों का अभी दो दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है। अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि आप थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी लेकिन हर हालत में पेश होंगे। वहाँ पेश होंगे, क्या उनके पास में साक्ष्य मौजूद है, एविडेंसेस की बात हो रही है? बार बार वो कह रहे वो घटना स्थल पे नहीं थे। साक्ष्य सब दिए जा चुके हैं, कार्यक्रम स्थल पे वो थे, घटना स्थल पे नहीं थे। तो आशीष मिश्रा के भाई को आपने सुना, लेकिन आपको बता दें कि मंत्री जी के बाकी रिश्तेदारों ने भी लगभग यही राग अलापा है कि आशीष कानून के सामने जरूर पेश होंगे। हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनवीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनवीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हम लोगों का अभी दो दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है। अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि आप थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी लेकिन हर हालत में पेश होंगे। वहाँ पेश होंगे, भागने का कोई काम नहीं होगा, फेस करा जाएगा, एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तक का समय था, फिर क्यों नहीं? थोड़ा बहुत लेट हो जाता है आदमी आने जाने में। उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष? अब देखिए, ये मैं अभी मैं हम तो मैं अंदर से आ रहा हूँ, अब वो रास्ते में कहीं नहीं नहीं ठीक है। जो भी देखिए, जैसे मैं ये टाइम का मैं कोई पाबंद नहीं हूँ, मगर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जैसे आएंगे पूरा सहयोग होगा, एसआईटी जांच के लिए सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे। और अब आपको मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। देखिए, वो तो जब पथराव हुआ होगा या उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, आप मैं वहां तो था नहीं, सामने वाले कुचल देंगे जो। अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कुचल दे, मैं जब वहाँ था ही नहीं तो मैं उसके विषय में क्या कह सकता जा रहा है कि आपकी अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, किस तरह से गाड़ी पर हमला हुआ, कौन लोग दौड़ा रहे थे, कैसे हुआ, ये तो सारी बातें जो वहाँ लोग उपस्थित हैं वही बता सकते हैं। सब आपके बेटे वहाँ बताया जा रहा उपस्थित थे उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे, जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है, भाई पुलिस को पकड़ने नहीं, नहीं क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर, क्यों पकड़ेगी, पहले सबूत तो इकट्ठा करें। प्रश्न ही नहीं उठता है, मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो को। मैं मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूं, आपराधिक छवि का लग रहा हूं कि कैसा लग रहा हूं, ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं वहां पर पाया जाता
तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो FIR में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों ने, अब कार तो बीजेपी की है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है भाई? देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है, गिरफ्तारी की कोशिश। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष मिश्रा के घर से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ संतोष हमारे साथ जुड़े हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर से। सीधे सबसे पहले हम अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? इसी जगह से दो दिन पहले इंटरव्यू दिया था आशीष मिश्रा ने तमाम मीडिया चैनल्स को, आज कहां है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल श्वेता, लगातार इस पूरी खबर पर जो घटनाक्रम बनता रहा, शुरू में आशीष मिश्रा हमारे सामने आए थे, हमसे बात भी की थी, लेकिन पिछले दो दिनों से वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। समन का जो नोटिस था वो कल से चिपका हुआ है, लेकिन अभी हमारी कुछ देर पहले आशीष के चचेरे भाई अमित मिश्रा और उनके दूसरे भाई अभिजात मिश्रा, इन दोनों से बात हुई थी। इन दोनों ने यह बात कही कि आशीष अभी लखीमपुर खीरी में नहीं है, लेकिन वो जैसे ही आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। दोनों के नाम यहाँ पे हैं, इस घर में वो भी रहते हैं, और लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, उनके पास साक्ष्य मौजूद है, वो पहले ही सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन बार बार चूंकि समय निकल चुका है, 10 बजे का समय था, 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं है कि आशीष कहां है। वहीं बार बार ये कहीं भी कहा जा रहा है कि कहीं आशीष नेपाल की तरफ तो नहीं चले गए, और ये तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष के नेता भी अब मुखर हो रहे हैं, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। हालांकि जब जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं अब सुमित जायसवाल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, उनको भी ढूंढा, उसको भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन सातों आरोपियों में से दो से उन्हें पूछताछ कर ली है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, घर के अंदर मौजूद नहीं है, लखीमपुर के बाहर बताया जा रहा है, लेकिन SIT के सामने कब पेश होगा इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। संतोष, क्या कुछ जानकारी? 10 बजे का वक्त था, क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, आशीष का कोई अता पता नहीं है, क्या अब भी कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर वेट एंड वॉच किया जाएगा सरकार की भी तरफ से? देखिए पुलिस ने जो 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया था कि उनको क्राइम ब्रांच तक आना है, ये लखनऊ, ये लखीमपुर की क्राइम ब्रांच है, पुलिस लाइन में मौजूद हैं हम इस समय। यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग टीम DIG उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में यहाँ पर मॉनिटरिंग टीम, इस क्राइम ब्रांच का दफ्तर है जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। उनको भी इंतज़ार है कि अगर आशीष यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन आशीष आए नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आशीष को 10 बजे पहुंचना था, आशीष नहीं आए हैं। अब आगे की रणनीति के लेकर के आशीष के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, सर्विलेंस की मदद ली जा रही है कि आशीष कहां पर हैं, उनको लोकेट करना लखीमपुर पुलिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी जांच में प्रकाश में नहीं आए। वो सबसे बड़ी बात कि एक FIR में जो कि मर्डर की FIR है उसमें नामजद आरोपी हैं, और नामजद आरोपी होने के बाद वो तमाम अपनी बेगुनाही के भले ही तमाम दलीलें देते रहे, लेकिन SIT के सामने जो लखीमपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसके सामने उनको आना होगा, तथ्य देने होंगे। अभी तक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की हम बड़ी खबर बता दें, आशीष मिश्र जो कि लखीमपुर मामले में नामजद आरोपी हैं, FIR उनके अगेंस्ट फाइल हो चुकी है, 10 बजे आज उनकी पेशी होनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए हैं। कहां है आशीष मिश्र इस बारे में भी पुलिस को जानकारी नहीं है, तो 2 घंटे बाद भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो इंतजार ही कर रही है, महज तैयारी वहां पर कर ली गई है कि अगर आशीष मिश्र आते हैं तो उनसे सवाल क्या किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यहां पर ये है कि आशीष मिश्र है कहां, उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि परिवार के लोग जो है गाहे बगाहे ये कह रहे हैं कि आज शाम तक बहुत मुमकिन आशीष मिश्र जो है वो पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई, मैं तो कहूंगा तालियों के साथ, योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है, यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उसका अपने में नहीं थे, अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उसका अपने में था आरोपी, और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा, और देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है, यहाँ कोई किसी को रोंदे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। समाजवादी लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं समाज को हक दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी
अधिकारी के खिलाफ, तो उनको तो आप जेल में डाल देते हो, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आरोपी को वास्ते से नेपाल निकाल दिया जाता है। तो लखीमपुर कांड पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, विपक्ष आशीष की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है। जो सत्ता में है, जो भाजपा में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों की हत्या भी कर सकता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। क्या ये संदेश है उनका? क्या उनकी कोई इस देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कैबिनेट में वो एक ऐसे मंत्री को रख रही है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिस पर, जिसके बेटे पर आज ये आरोप है, चश्मजीत गवाह है, तो वो क्यों है इनके मंत्रालय में? अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया है? ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है, ये सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए, दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, समन भेजना, खाना पूर्ति करना है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। सीधे चलते हैं लखीमपुर अपने संवाददाता संतोष शर्मा के पास। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आशीष के बारे में, उनके लोकेशन को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? कहाँ है वो? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है कि आशीष दो दिन से उनका मोबाइल फ़ोन, क्राइम ब्रांच ने जो कॉल डिटेल निकाली है, वो पिछले 48 घंटों से उनका फ़ोन एक्टिव नहीं है और लास्ट लोकेशन उनके बलबीरपुर गांव, जो उनका पैतृक गांव है, उसके आसपास था। लेकिन सबसे अहम बात, बलबीरपुर गांव नेपाल बॉर्डर के बेहद नज़दीक है, तो लिहाजा अभी तक जो लोकेशन मिल पा रही, जो जानकारी मिल पा रही है, और क्राइम ब्रांच को भी इस बात का अंदेशा है कि कहीं आशीष मिश्रा नेपाल न चले गए हों, लेकिन अभी तक कोई क्राइम ब्रांच को उनकी लोकेशन नहीं मिली है। दूसरी अहम बात कि इस पूरे मामले में सुमित जायसवाल को भी नोटिस दे दिया गया है, यानी सुमित जायसवाल भी लखीमपुर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो ट्रेस आउट नहीं हो पाया है। उसको लेकर के भी जिस तरीके से आशीष मिश्रा को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया, सुमित जायसवाल के घर वालों को भी नोटिस दे दिया गया है। सुमित जायसवाल वही शख्स है जो थार गाड़ी से भागता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी एप्लीकेशन पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरी साइड से, पहली साइड से जो जगदीश सिंह हैं बहराइच के रहने वाले, नानपारा के, उनकी तरफ से मुकदमा हुआ, क्रॉस FIR सुमित जायसवाल ने ही लिखाई थी। तो सुमित जायसवाल को भी अब नोटिस देकर के तलब किया जा रहा है, उनकी भी तलाश की जा रही है। अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आशीष मिश्रा के साथ सुमित जायसवाल की भी लखीमपुर पुलिस को तलाश है, उनका बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया जा चुका है। लखीमपुर में दर्ज कराई गई FIR में आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा को कत्ल के केस में नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब तक केस में 2 FIR दर्ज होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में इसी गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया। FIR के मुताबिक घटना का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है। पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर आशीष मिश्रा समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। 3 अक्टूबर को दिल दहला देने वाली घटना हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ कत्ल का केस भी दर्ज हो गया, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तब है जब तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं। पीड़ित परिवार सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है? क्या सियासी पहुंच और सत्ता के रसूख के दम पर आशीष मिश्रा गिरफ्तारी से बच रहा है? क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने की वजह से पुलिस आशीष मिश्रा के गरेबा पर हाथ डालने से बच रही है? चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों में 50 से ज्यादा मीडिया इंटरव्यू देने वाले आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ से अब तक दूर हैं। आज तक से बातचीत के दौरान IG रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने जो कहा, सबसे पहले उसे बहुत गौर से सुनिए, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी।
क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है, गिरफ्तारी की कोशिश है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने दिया, लेकिन उन्हें बोलने से पहले 4 सेकंड तक सोचना पड़ा। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? हालांकि आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने यह खुलासा भी किया कि आशीष मिश्रा की तलाश जारी है और बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होगी। विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक अफसरों की कमेटी बनाई गई है जिसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने एक नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता से अपील की थी कि वो हमें इस संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो उपलब्ध कराएं। कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं और जनता से हम आगे भी अपील करते हैं कि हम इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। कमेटी द्वारा सभी का तकनीकी परीक्षण करवा के विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। सवाल यही है कि जो आशीष मिश्रा कल तक मीडिया में खुद को बेकसूर बता रहा था, आज वही आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस से भागा भागा क्यों फिर रहा है? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए आशीष मिश्रा अंडरग्राउंड है? अगर है तो कहाँ है? संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर की घटना 3 अक्टूबर को हुई। पिछले 4 दिन से इस घटना से जुड़े वीडियोस देश के तमाम मोबाइल फोन्स में घूम रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस के अधिकारी अपने नंबरों पर जनता से वीडियोस मांगते नजर आ रहे हैं। चार दिन बीत गए, 8 मौतें हो गईं, 4 कुचले गए और 4 गुस्से की आग में झुलस गए। लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर आर्यभट्ट के आविष्कार शून्य के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। 3 दिन पहले से ही हादसे और हिंसा से जुड़े वीडियो आए तो पुलिस ध्यान मुद्रा में चली गई। जब दबाव बढ़ा तो वीडियो मंगवाने के लिए नंबर जारी कर दिए और साक्ष्य मिलते ही जांच शुरू करने की बात कही। हमने लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह से एक सीधा सा सवाल पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और अभी तक कहां क्या क्या सबूत मिल पाए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक अफसरों की कमेटी बनाई गई है जिसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने एक नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता से अपील की थी कि वो हमें इस संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो उपलब्ध कराएं। कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं और जनता से हम आगे भी अपील करते हैं कि हम इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। कमेटी द्वारा सभी का तकनीकी परीक्षण करवा के विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। विवेचना पारदर्शी, निष्पक्ष और संपादित, हिंदी भाषा के उत्कृष्ट शब्दों का चुनाव किया गया, लेकिन बात ऊपर से गुजर गई, कोई सीधा सरल अर्थ नहीं निकला। लखीमपुर खीरी में हुई घटना की FIR में आशीष मिश्रा पर हत्या की धारा 302 के साथ साथ लापरवाही से हुई दुर्घटना की मौत की धारा 304A भी लगाई गई है। आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है, यानी पुलिस को नहीं पता कि आशीष मिश्रा इस वक्त कहाँ हैं। जब आशीष मिश्रा के बारे में सवाल पूछा जाता है तो अधिकारियों के सोच विचार का टाइम बढ़ जाता है, चुप्पी फैल जाती है, जवाब संभल संभल कर आते हैं। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। लखीमपुर की घटना के सबसे अहम वीडियो में दिखी थार SUV आशीष मिश्रा की है और एक पूछताछ में ये दावा भी हो चुका है कि काली फॉर्च्यूनर और सफेद स्कॉर्पियो कार कांग्रेस नेता अखिलेश दास के बेटे अंकित दास की है। अंकित दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के, अच्छा लखनऊ वाले जी, वो यहाँ आए थे जी, उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी, वो गाड़ी में थे वो जी, तुम भी थे उसी गाड़ी में। लेकिन अभी तक इनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में 6 सदस्यों वाली SIT का गठन किया गया है। इसके अलावा एक न्यायिक जांच भी बैठाई गई है जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे और अगले 2 महीने में इसकी रिपोर्ट देंगे। लखीमपुर खीरी से संतोष कुमार, समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।